नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल एक बार फिर आपके साथ में और बहुत उत्साहित हूं क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा पिछले 3 हफ्तों से चल रही है वो टॉपिक बहुत नज़दीक आ चुका है मेरे और मैं उस टॉपिक में बड़ी गहराई से उतर चुका हूं, अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप। और आज हम बात करने वाले हैं कि इस बिज़नेस में अपलाइन ही वो व्यक्ति है जो आपको सही मार्ग दिखलाता है, अन्यथा लोग भटकाने वाले होते हैं। महाभारत युद्ध के समय में ही गीता का ज्ञान दिया गया था श्री कृष्ण जी अपलाइन के द्वारा अर्जुन डाउनलाइन को। जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को विरक्ति होने लगी और अर्जुन एकदम से घबरा गए, कहते मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा माधव, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मेरे सामने मेरे बंधु रिश्तेदार सगे सब लोग हैं, मैं इन पे कैसे आक्रमण करूंगा, कैसे मैं इनका वध करूंगा। और वो बिल्कुल घबरा गए और वो युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने लगे। तो कृष्ण जी ने उनको गीता का पाठ पढ़ाया, गीता का ज्ञान दिया जो कि आज एक प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में है। उसी तरीके से इस बिज़नेस में अपलाइन भी आपके लिए वही काम करता है। जब आपको इस बिज़नेस में बहुत सारी समस्याएं होने लगती, जब आपके दोस्त बंधु बांधव रिश्तेदार आपके साथ बिज़नेस करने से मना कर देते, जब बहुत सारी रिजेक्शंस आपको आने लगती हैं, तो आपके मन में भी ऐसा आता है कि अपलाइन के पास आते हैं कि सर मेरे से बिज़नेस नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसा ही आप ऐसा कहते हैं अपलाइन फिर आपको इस बिज़नेस में एक ऑक्सीजन देता है, आपको सही ज्ञान देता है, आपको इस बिज़नेस की सच्चाई के बारे में बताता है और आप फिर से इस बिज़नेस में उतर पड़ते हैं। तो इस छोटे से प्रकरण के द्वारा मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी आपका अगर इस बिज़नेस को छोड़ने का मन करे तो छोड़ने से पहले काम जरूर कर लीजिएगा, अपलाइन के पास जाइएगा, उनके घर पर उनके साथ बैठ के चाय पीजिएगा, फिर आप अपनी बात बताइएगा कि मैं बिज़नेस छोड़ना चाहता हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपलाइन आपको कभी भी ये बिज़नेस छोड़ने नहीं देगा, वो आपको सफल बना के ही पीछे हटेगा, उससे पहले पीछे हटने वाला नहीं है। तो आज की कहानी के जरिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आप इस बिज़नेस में डगमगाएं तो केवल और केवल अपलाइन की ही बात माने, बाहर के किसी व्यक्ति की बात ना माने। और बहुत अच्छा लग रहा है इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और मन करता है कि जितना ज़्यादा गहराई में उतरा जाए उतना उतरेंगे, पर हमारे पास समय सीमा का अभाव रहेगा। पर हम फिर भी एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को अगले हफ्ते और वहीं पे हम इस टॉपिक को ओवर करेंगे एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।